पचलंगी के काटलीपुरा में बुरास के ढेर में नव निर्वाचित विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा का शानदार स्वागत किया गया। स्वागत जुलूस में विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा को पचलंगी से बुरास के ढेर तक हाथी पर बैठाकर ले जाया गया। बुरास के ढेर में शिव मंदिर के सामने आयोजित हुए स्वागत समारोह में विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा, प्रधान सविता खरबास, रुगनाथपुरा सरपंच प्रतिनिधि संजय नेहरा, रामकरण सैनी उदयपुर वाटिका, परसाराम सैनी, सरदारा राम सैनी, शंकरलाल सैनी, बलवीर सैनी, रणजीत सैनी, ब्रजेश सैनी, मदनलाल सैनी, विनोद जोशी, बजरंग पटेल, लालचंद बड़सरा, बलराम सैनी, नरेश सैनी, विनोद सैनी, मालीराम बड़सरा, मुकेश सैनी, रोहितास सैनी, सांवरमल, नरसीराम, बद्री प्रसाद, रामेश्वर लाल सैनी द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने बुरास डहर में पेयजल सड़क की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा कि एक साल के अंदर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी उनके गांव में पहुंचा दूंगा। उन्होंने कहा कि जो ताकत आपने मुझे दी है उस ताकत के बल पर मैं आपके हर समय तैयार रहूंगा। इस दौरान उन्होंने पूरे विधायक शुभकर्ण चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी भगवाना राम सैनी को भी लेकर कटाक्ष किया। वाइफो केदार सैनी, संतोष देवी वाइफो सरदार सैनी, गीता देवी वाइफो शंकरलाल सैनी, सावित्री देवी वाइफ वो भी मंच पे आए। तो मैं महिलाओं का नाम बोलो, भाग्य आ गया भाई। और नरेश काकरिया को छापा पहनेंगे हमारा नरेश जी सैनी चौसीरा वाले। नरेश कांकरिया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने हाथी के ऊपर बैठा के उनको सम्मान दिया, जब तक शरीर में सांस रहेगा आपके इस बात को कभी मान सम्मान नहीं पाऊंगा। जो समस्याएं मेरे सामने रखी गई तो ये आप सबको बताए, आप लोग ये इंतजार भी कर रहे थे कि राजेंद्र गुड्डा चुनाव जीत जाएगा तो हम पहाड़ के अंदर पत्थर फोड़ रहे, हमें कोई नहीं रोकेगा। आप ये भी सोच रहे थे कि राजेंद्र गुड्डा चुनाव जीत जाएगा तो हमारा रास्ता बन जाएगा। आपको पहले से पता जो ताकत आपने वोट के रूप में मुझे दी है उसके उस ताकत से आप लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक मैं तो चैन दिन से चैन में से रहूंगा। मैं रात भर करके सोऊंगा। ईमानदारी की बात यह है कि आपसे एक वादा करके जा रहा हूँ, या बुरका की बुरका बुरास के जो जितने भी लोग हैं यहाँ ये शिव मंदिर के ऊपर, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके टोटल रिश्तेदार उदयपुर वाटी के हो, चाहे नीमका थाना के हो, चाहे ग्वाला के हो, चाहे खेतड़ी के अंदर उदयपुर वाटी पपड़ना के हो, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके टोटल रिश्तेदार 5 साल में आपके पास आगे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, हमारा काम करवा देगा। जो रिश्तेदार ये कह रहे थे कि राजेंद्र गुड्डा को वोट मत दो, वो सारे रिश्तेदार आपके पास आएंगे, राजेंद्र गुड्डा के पास चल के हमारा काम करा के लाओ। सच बात है कि इस चीज में विश्वास ही नहीं करता। ईमानदारी की बात है कि अभी एक दो दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद में बिजली वाले को बुलाता हूँ। सच बात है कि रात की लाइट में किसान परेशान होते हैं और उसकी मदद किस तरीके से की जाए, इसलिए दबाव बनाएंगे। इतने बड़े समाज थे, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, राजेंद्र गुड्डा को तो उसके दोस्तों ने चुनाव जिताया। छोटे छोटे बच्चे बोलते थे गुड्डो मारो भाई लो विधानसभा में जाए लो, छोटा छोटा बच्चा बोले संतरो बोलो संतरी ने वोट देनो मंत्री ने, किसमिस बोली काजू ने वोट देनो राजू ने। ये जो हमारा गौरव पथ बन रहा था, इस गौरव पथ को यदि गलत दिशा में नहीं ले जाके सीधा या राजेंद्र या राष्ट्र की समस्या सजा के लिए खत्म हो सकती थी। आपने जिस आदमी को 50 साल से जिनको आप वोट देने का काम कर रहे हो उन लोगों ने आपके साथ न्याय नहीं किया, यदि वो न्याय करते तो ये पानी की समस्या नहीं होती। राजेंद्र गुड्डा ने अपने समय के अंदर पचलंगी के अंदर सड़कें बनाने के रिकॉर्ड बना दिए थे, ट्यूबवेल बनाने के रिकॉर्ड बना दिए थे। आपसे वादा करके जा रहा हूँ एक साल के अंदर अंदर कुंभाराम लिफ्ट का पानी जो खेतड़ी में पानी आ गया यमुना का, उस पानी को आपके गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। उससे पहले
इससे पहले भी तम प्रेरी व्यवस्था के लिए चाहे ट्यूबवेल और नहीं बनवाने पड़े, चाहे और पाइपदार लाइन डालनी पड़े, पानी के लिए आपने पानी के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे। ईमानदारी की बात है, जनता के साथ न्याय करने के लिए, जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, लोगों के दुख दूर करने के लिए ये चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ना कोई ये नहीं है राज करने के लिए नहीं, मेरा तो आपसे छोटे छोटे समाज इस उदयपुर वाटी में ईमानदारी की बात है, मेरे खुद के समाज के 15,000 वोट आप साइड में कर दो तो 45,000 लोगों ने राजेंद्र गुड्डा कुमार खाती नाई दर्जी हीर गिर मीना मुसलमान बंजारे बावरे सपेरे छोटे छोटे समाजों ने राजेंद्र गुड्डा को, जोगी समाज ने, भार्गव समाज ने, छोटे छोटे समाजों ने, हर समाज में राजेंद्र गुड्डा के फर्स्ट ट्यूशन रहती है। हमारे यहाँ बुराज के लोगों ने, बचरंगे के लोगों ने, आस पास के लोगों ने साबित कर दिया, उदयपुर वाटी के नौजवान का, यहाँ के बुजुर्ग का, यहाँ माता बहनों, इनका जमीन बिकाऊ नहीं है, कोई इसको खरीद नहीं सकता। दुनिया की कोई ऐसी कक्षा नहीं तो हमारे लोगों का जमीन खरीद ले। और आप लोगों ने जिस ताकत के साथ मुझे साथ दिया, ईमानदारी की बात है कि आपके सामने चाहे कोई बिजली का अधिकारी हो, चाहे पानी का अधिकारी हो, चाहे माइनिंग का अधिकारी हो, कलेक्टर, एसपी, थानेदार, तहसीलदार, चाहे कोई भी हो, कोई भी आपके सामने खड़ा हो तो आप एक चीज दिमाग में लगाना, सामने जो भी खड़ा है उसकी ज्यादा परवाह मत करना, क्योंकि आपका भाई राजेंद्र गुड्डा आपके पीछे खड़ा रहेगा। आपसे बताना चाह रहा हूँ, जो वोट आपने मुझे दिया उसकी ताकत 5 साल तक आपके चेहरे पर रोने रहेगी, कलेजे में ताकत रहेगी। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि ये जितना मान सम्मान मुझे मिला, जितना आदर सत्कार मुझे मिला, बार बार चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी पृष्ठभूमि भी नहीं थी। ईमानदारी की बात है कि मैं तो मेरी खाल की जूती बना के भी आपको पहना देता, आपका एहसान नहीं उतार सकता। और यदि न्याय की बात हो तो राजेंद्र गुड्डा का बेटा वो भी यदि सामने खड़ा हो, और न्याय और अन्याय की बात हो तो उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। कभी भी ये रिश्ते क्या होते हैं, समाज क्या होता है, कैसे गरीब लोगों को प्रताड़ित किया गया, छोटे छोटे लोगों को, कर्मचारियों को 500-500 किलोमीटर दूर टिका दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये सैनी समाज के लोग जो सारे के सारे सरपंच विधायक सुप्रीम चौधरी के साथ थे, अरे उनसे पूछो, 5 साल के अंदर तुमने कभी उदयपुर वाटी में एक तहसीलदार, एसडीएम, थानेदार, बीडीओ को एक भी कर्मचारी और अधिकारी सैनी समाज का लगाया गया? 17-18 हजार वोट दे दिए थे। और उसके बाद आज राजस्थान का मुख्यमंत्री राजेंद्र गुड्डा, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजेंद्र गुड्डा की कोई बात नहीं टाल सकता, जो राजेंद्र गुड्डा ने कह दिया वो सही। इस तरह के लोगों को, जो आदमी खुद को रक्षा नहीं कर सकते, खुद को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, किस तरह का चुनाव लड़ेंगे? भगवान राम सैनी 25 साल तक मेरे पास रहा, अरे मैंने उसको एक पैसा नहीं लगने दिया, उसको पंचायत समिति का प्रधान बना दिया। इस आदमी के एक एक रूम रूम पर मेरा कर्जा है, अरे ऐसा एहसान फरामोश इस आदमी तो मेरा कर्जा नहीं उतार सका। जनता का यदि उसको पूछो कि जिंदगी के अंदर तुमने प्रधान रखे कभी किसी एक भी गरीब आदमी के लिए 5 साल में एक भी फोन किया हो, किसी गरीब आदमी के कभी थाने में, तहसील में, कभी कहीं भी मदद की हो, जिस तरह के लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, सैनी समाज में एक आदमी खड़ा हो कहते कि भगवान राम सैनी ने मेरा एक काम किया, फ्री के अंदर बिना पैसे एक फोन किया, तो बता दो। राजेंद्र गुड्डा हर समाज, कोई पूछते है राजेंद्र गुड्डा तेरे समाज के कितने वोट है, अरे जोगी समाज के 800 वोट है वो भी राजेंद्र गुड्डा के, भार्गव समाज के 1500 वोट, लाई समाज के 2000 वोट, सुंदर समाज के 2200 वोट, छोटे छोटे समाज ये सारे के सारे मेरे साथ। और ये चुनाव, मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से धन बल का प्रयोग हुआ, अलग अलग चीजों का प्रयोग हुआ, लोगों को डराने धमकाने का काम किया, गरीब आदमी पत्थर कौन फोड़ता है, पत्थर तो गरीब कोई करोड़पति आदमी अरबपति आदमी पत्थर थोड़ी फोड़ेगा, पत्थर तो गरीब ही फोड़ेगा, इनकी रसीदें काट देते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस पहाड़ी के अंदर कोई भी पत्थर काट तो फोड़े, और उसको कोई रोकने के लिए आए तो उसका इलाज मैं कर दूंगा, मेरी बात करा देना। इसके अलावा भी कोई भी आदमी कह देना राजेंद्र गुड्डा को हाथी पे बैठा के घुमाया था, 5 साल किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई बिजली के कनेक्शन के लिए आता था, मंत्री कनेक्शन नहीं हो रहा,
अरे तार डाल ले यार, कहाँ दिक्कत है, चलेंगे चलाते जब फिर चलेंगे। पांच साल का स्वागत है पांच जाति की विधानसभा, आप सब लोग आए।